फाइनली हमने तीनों स्पाइडरमैन को थानोस के हाथों से बचा लिया, पर अभी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। इनमें से दो स्पाइडरमैन इस डायमेंशन के नहीं है, हमें इन्हें इनके घर वापस भेजना होगा। अगर ये लोग यहाँ पर रह गए तो वहाँ पर कोई स्पाइडरमैन नहीं होगा और वहाँ का क्राइम ज्यादा ही बढ़ जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी से कुछ करो, हमें इन्हें इनके घर वापस भेजना होगा। तुम एकदम सही कह रहे हो टोनी, इनके डायमेंशन में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, क्योंकि जितने देर ये लोग यहाँ पर रहेंगे टाइमलाइन में चेंजेस होते रहेगी। अच्छा ठीक है टोनी, तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। ये लोग कुछ ही देर में अपने घर पर होंगे, तुम थोड़े दूर जाके खड़े हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ये मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, मेरी जादुई शक्ति अपना कमाल दिखाओ। सब लोग तैयार हो जाओ, मैं पोर्टल खोलने जा रहा हूँ। अब जो जहाँ से आया है वहाँ पर वापस चला जाएगा, और ये शुरू हो चुका है, संभल के। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, कोई बचाओ हमें। वाह क्या बात है डॉक्टर स्ट्रेंज, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने स्पाइडरमैन को तो बचा लिया है, पर थानोस के पास अभी भी 6 इन्फिनिटी स्टोन है, वो उससे कुछ भी कर सकता है। ये बात तुमने एकदम सही बोली, वो पक्का कुछ न कुछ करेगा। हमें उससे वो इन्फिनिटी स्टोन हासिल करने होंगे, पर ये काम तुम नहीं कर सकते स्पाइडरमैन, तुम पहले ही काफी ज्यादा थक चुके हो। हमें इसके लिए किसी और को बुलाना होगा। मैं काम करता हूँ, थॉर को फोन करता हूँ, वही ये काम कर सकता है। ये मैंने फोन लगाया। हेलो थॉर, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलो टोनी। हमें तुम्हारी जरूरत है यहाँ पर, प्लीज जल्दी से आ जाओ। ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम पहले यहाँ पर आ जाओ, मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं, हमारा इंतजार करो। थॉर थोड़ी देर में यहाँ पर आता होगा, हमें उसे सब कुछ बताना होगा। पता नहीं टोनी ने हमें इतने जल्दी क्यों बुलाया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, हमें तो उसकी चिंता होने लगी है। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने उससे मिल भी लूंगा। काफी दिन हो गए थे एवेंजर मेंशन पर जाए, ये तो आज भी पहले की तरह ही लगता है। मैं बस पहुंचने वाला हूँ, जल्दी से जाके अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क करता हूँ। अब जल्दी जल्दी उतरता हूँ मैं। ये रही वो जगह, आखिरकार मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। टोनी कहाँ पर हो तुम, ये क्या, यहाँ पर तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी है, इसका मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। टोनी मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, और तुमने मुझे इतने जल्दी क्यों बुलाया, तुम ठीक तो हो ना। हम सब ठीक है थॉर, पर कुछ दिनों के लिए, क्योंकि थानोस इस दुनिया को बर्बाद करने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज एकदम सही बोल रहे हैं, उसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन है, वो उससे कुछ भी कर सकता है, हमें वो हासिल करने होंगे। पर हम ये करेंगे कैसे, मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और वो मुझे मिलेगा कहाँ पर। हम तुम्हें लोकेशन भेज रहे हैं, तुम वहाँ पर पहुँचो, हम तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेज देंगे। अच्छा ठीक है, हम अभी जाते हैं, जल्दी जल्दी निकलता हूँ यहाँ से। इस बार तो वो थानोस का बच्चा मेरे हाथ से बचेगा नहीं, वो स्टार स्टोन मैं हासिल करके रहूंगा। जल्दी से मेरी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, हमें वहाँ जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पहुँचना होगा। इससे पहले कि थानोस कुछ करे, हमें थानोस को कुछ करना होगा। थानोस हम आ रहे हैं, तैयार रहना लड़ाई के लिए, ये तुम्हारा आखिरी दिन भी हो सकता है। लोकेशन तो यहाँ आसपास की आ रही है, वो जगह यही पर होनी चाहिए। यहाँ से मुझे कुछ दिख तो रहा है, ये क्या, ये तो ग्रैम जैसा लग रहा है, मुझे लगता है यही वो जगह होगी। पर पता नहीं वो लोग किसको भेजने वाले हैं, अभी तक तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया। मुझे यहाँ पर थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अगर वो कुछ देर में नहीं पहुँचा तो मैं ये रैम करना शुरू कर दूंगा। गाइज यार, टोनी ने पता नहीं मुझे इस लोकेशन पे आने के लिए क्यों बोला है, कुछ बताया भी नहीं, अब तो वह जाकर ही पता चलेगा कि होने क्या वाला है। और वैसे भी हम लोग लोकेशन के काफी ज्यादा नजदीक है, वो यही कहीं पर होना चाहिए। गाइज लोकेशन तो यहाँ पर खत्म हो गई। हाँ मैं सही था, वो रहा सामने रैंप, तभी मैं सोचूं कि टोनी ने मुझे क्यों बुलाया है। एक मिनट, ये क्या, यहाँ पर तो थॉर खड़ा है, जल्दी से उतरते भाई साहब, आखिर में मांजरा क्या है, और अगर मेरे से रैम करवानी थी तो इसको क्यों बुलाया। और मेरी बात सुन, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा। हमें थानोस से इन्फिनिटी स्टोन लेने हैं, इसलिए टोनी ने हमें यहाँ पर भेजा है, पर मुझे लगता है इसके लिए हमें ये रैम पूरा करना होगा। क्या बात कर रहा है, पर इसमें करना क्या है, वो तो कोई बताएगा तब पता चलेगा ना। तुम एकदम सही कह रहे हो, एक मिनट मुझे लगता है थानोस का फोन है। वाह क्या बात है, इस बार दूसरा चमचा भी साथ में आया है, पिछली बार तो तुम लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। ये जो रैम तुम्हें दिख रही है, इसे तुम्हें कंप्लीट करना होगा, और वो भी 5 मिनट के अंदर। अगर नहीं कर पाए तो तुम हार जाओगे, और अगर पार कर भी लिया तो भी तुम्हें मेरा सामना करना होगा। इसका मतलब तुम दोनों साइड से हारोगे, हारोगे तो तुम, और वो भी हमारे हाथों से। डूड जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे लगता है हमें अभी निकलना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो गाइस जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। थॉर यार जल्दी से बैठेगा। हम बैठ गए, तुम चलना शुरू करो। अच्छा ठीक है, तो गाइस अभी निकलने का टाइम आ चुका है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसी के साथ कमेंट करना मत भूलना, टीम डूड ओपी। अब फटाफट आगे बढ़ते, पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। ओहो भाई साहब, खून के फव्वारे। अबे ये क्या, आगे आंधी आई हुई है क्या, पता नहीं इसके आगे क्या होगा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ओहो भाई साहब टर्नल है यहाँ पर, अच्छा हुआ कि अपनी गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा स्पीड थी, वरना तो यहाँ पर लोचा हो जाता। अबे 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 बच गए बच गए बच गए। अबे इतने टेढ़े मेढ़े पाइप लगाए इसने, जगह काफी ज्यादा कम रखी है, ताकि थोड़ी भी गाड़ी स्पीड हो तो हम लोग सीधा नीचे जाए। वैसे आप लोगों ने एक चीज नोटिस की,
यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है। इस बार के रैम शहर के बीचों बीच है, पर हमें अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो हम इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। अरे अरे भाई 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 भाई, बच गए गाइस, इस बार भी बच गए। चलो जल्दी से ऊपर की तरफ। अबे यार और कितना ऊपर जाना है? सीधा मेज बैंक पर चढ़वा देगा क्या? अब जहाँ पर भी चढ़ना तो पड़ेगा गाइस, और वो भी थोड़ा फास्ट फास्ट। पता नहीं अभी तक कितना टाइम चला गया होगा। गाइस अगर आपको पता है कि अभी तक कितना टाइम गया तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। ओहो भाई साहब, ओहो आगे तो देखो जरा, ये चीजें तो इधर से उधर हो रही है। उसने ये सारी चीजें जानबूझ के लगाई होगी ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो। तो थॉट तुझे क्या लगता है, वो अपना कोई रिश्तेदार है क्या जो अपने लिए एकदम आसान से रैंप बना देगा कि आजा बेटा 5 मिनट में जल्दी से पूरी कर ले और इनाम लेके जा? ऐसा नहीं है, वो दुश्मन है हमारा। तुम तो बहुत समझदार लगते हो ड्यूड, मैं तो बोलता हूँ तुम हमारी टीम में आ जाओ, हम दोनों मिलके इस दुनिया पर राज करेंगे। वैसे ऑफर तो अच्छा है पर नहीं, मेरी तरफ से ना है, तो जाकर किसी और को ढूंढो। ओ सॉरी, ढूंढना भी क्यों है, हम तो तुम्हें हार के मरवा देंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है, हम दोस्ती का हाथ बहुत ही ज्यादा कम बार फैलाते हैं। अगर तुम्हें हमारी दुश्मनी देखनी है तो तुम्हें जरूर देखने मिलेगी। गाइस यार पता नहीं और कितना दूर है, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि ये रैंप हम लोग जीते और थानोस की धुलाई करे। चलो ये आखिरी वाला भी गया, अब यहाँ पर ऑटोमेटिक लिफ्ट लगी है जिस पे खड़ा होकर हमें जाना होगा, जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा, जिसके वजह से हमारा टाइम खोटी होगा, जिसके वजह से हम हार भी सकते हैं, जिसके लिए थानोस इंतजार ही कर रहा है। पर इसी के लिए हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, हम लोग जीत के दिखाएंगे। आजा 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 आजा, अब जल्दी से इस पर भी जाते गाइस, इससे पहले कि वापस ऊपर जाए। हो भाई साहब, और ये हो गए स्ट्राइक। नहीं 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 हुई, बस दो ही गिरे यार। चलो कोई बात नहीं, एक को तो और गिरा के जाते हैं। गिर जा गिर जा गिर जा, गिर गया। अबे यार ये बीच में आ गया है। चलो ये भी नीचे गया। अब यहाँ पर एक एरो है जो कि हमें बता रहा है कि सीधे जाना है, तो हम सीधे जाएंगे। यहाँ पर तो एरो ही एरो है। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ओह बोलिंग बोल, उसको थोड़ी जोर से टक्कर मारनी पड़ेगी। और ये गया। वाह गाइस क्या बात है। ओह भाई साहब ये क्या, नीचे तो देखो जरा। चलो ये ब्लास्ट नहीं हुआ, साइड से निकल जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, क्या जोर से धमाका हुआ है, हम लोग सीधा पीछे ही सरक गए। साइड से निकल जाते इससे पहले कि ये भी ब्लास्ट हो। फुटबॉल, ये कोई खेलने का टाइम है? यहाँ पर इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है, दुनिया बर्बाद होने वाली है, और इसने बीच में फुटबॉल लगा के रखे, थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है? तुम अपने काम से काम रखो, हम क्या करते हैं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अबे तेरे काम से छोड़, हमें तेरे से मतलब नहीं है तो। अबे नहीं, ये ब्लास्ट कैसे हुआ? ओ भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, बच गए बच गए बच गए। नहीं नहीं नहीं, बच्चे यार। गाइस यार ये क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है। सरक जा भाई सरक जा। चलो चलो चलो, कमॉन कमॉन कमॉन, थोड़ा बहुत तो रास्ता और बाकी है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यहाँ से मुझे रैंप आगे तक दिख तो रहा है, पर ये खत्म कहाँ पर हो रहा है वो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत और आगे जाना चाहिए, वहाँ से अपने को पता चल जाएगा। साइड साइड से निकल जाते हैं। ओहो भाई साहब, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और आगे और आगे और आगे, यहाँ पर तो बर्गर लगे, वो भी कितने सारे और कितने बड़े बड़े। थोड़ा थोड़ा नीचे करते हुए जाएंगे हम लोग। बस बस बस, डूब तो कर सकता है, संभल के करना, हमारे पास टाइम कम है और ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जरा यहाँ के रास्ते तो देखो, कोई इस साइड जा रहा है तो कोई उस साइड, यहाँ एक भी सीधा रास्ता नहीं है। इसने बहुत समझदारी से ये रैंप बनाया है ताकि हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाए। अरे यार तुम चिंता मत करो, तुम बस देखते जाओ मैं कैसे करता हूँ। अबे नहीं 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 नहीं। चलो सीधी हो गई गाड़ी, और गाइस उसी के साथ मुझे लगता है हम लोग पहुँच गए। क्या बात है, मजा ही आ गया। अबे रुक जा रुक भी जा, पहुंचने के बाद ब्लास्ट ना हो जाए कहीं। चलो 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 चलो, कहां गया थानोस? ओ नहीं नहीं गाइस, बुरा सामने, आप लोगों ने देखा क्या? रुको मैं पहले उतरता हूँ फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे तो वो दिख चुका है। जिस जिसको दिख चुका था जल्दी से कमेंट कर देना। देखो बुरा ठीक हमारे सामने। अबे वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, धूप नहीं लगती क्या तेरे को? तुम काम करो, यहां से दूर हो जाओ, हमें इससे लड़ना होगा, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है, तुम जाके कहीं सेफ जगह पर छुप जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। गाइस यार जल्दी से जाके कोई जगह ढूंढते हैं, मुझे ये सब देखना भी है। एक काम करते ऊपर चले जाते हैं, यहाँ से सब कुछ क्लियर दिखेगा, फिर हम लोग थोड़ी सी कॉमेंट्री भी कर देंगे आपके लिए। ओहो भाई साहब थानोस तो नीचे उतर गया। थॉर संभल कर, क्या मार रहा है इसको। गाइस यार आपको क्या लगता है हम लोग जीतेंगे या नहीं? भाई साहब नीचे की जमीन में भी क्रैक आ गया है, बस जोर से लगी होगी थॉर को। तुम हमारी चिंता मत करो डूड, हम इसे आराम से संभाल लेंगे, हम एस्गार्ड के राजा थॉर है और ये हमारे सामने कुछ भी नहीं। ये लो और ये भी लो, जब तुम्हें झटके लगेंगे तब पता चलेगा। अबे अबे संभल के थॉर। इसलिए बोलता हूँ लड़ाई के टाइम सिर्फ लड़ाई करनी चाहिए बात नहीं। गाइस यार ये तो उसको उठा उठा के फेंके जा रहा है अबे बॉल थोड़ी ना है। देखो क्या हालत हो गई है एस्गार्ड के राजा की, ऐसी हालत किसी की ना हो। ओहो भाई साहब थॉर भड़क गए, तुम दोनों मिलके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक तो डरपोक की तरह चुप गया है और एक कायरों की तरह मार खा रहा है। हम कायर नहीं है, कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा।
अब हम तुम्हें बताते हैं, ये लो हमारे हैमर का स्वाद चखो, अब ये खाओ। क्या हुआ, हालत खराब हो गई? तुम तो बहुत ज्यादा बोल रहे थे, अब हिम्मत है तो लड़के दिखाओ, तुम हमें हाथ भी नहीं लगा सकते। और ये गए तुम, क्या हुआ, हालत खराब हो गई है ना? अगली बार से किससे फाइट कर रहे हो वो सोच समझ कर करना, हम एस्गार्डियन है तुमसे कई गुना ताकतवर, तुम्हें जो करना है कर लो, अभी तुम्हें पता नहीं है तुम मुझसे नहीं जीत सकते, अगर तुमने मुझे अभी हरा भी लिया तो भी तुम नहीं जीत पाओगे। ये तुम क्या बोल रहे हो, हमें लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया, ये लो और अब ये खाओ। गाइस यार मुकाबला तो काफी ज्यादा टक्कर का है, और आप लोग किसकी टीम में हो, कमेंट किया कि नहीं? नहीं किया तो जल्दी से कर दो। वाह गाइस क्या बात है, माला पड़ रहा तो भारी है और तो धो रहा था उसको, और मुझे लगता है उसका गेम भारी हो गया है। हमने तो पहले ही कहा था ये हमारे सामने नहीं टिक पाएगा, और अब तो ये पूरी तरीके से गया, ये लो अब ये कुछ दिनों तक हिल नहीं पाएगा। हमने कहा था हमसे ताकतवर कोई नहीं है। गाइस क्या बात है, इसने तो थॉर को बेहोश कर दिया। थॉर मेरी बात सुन, हमें इन्फिनिटी स्टोन लेने होंगे। अच्छा ठीक है, हम अभी लेते हैं। ये रहा वो इन्फिनिटी स्टोन, पर ये क्या, ये तो बस एक है। वो क्या बोल रहे तू? गाइस यार ये क्या लफड़ा है, इसके पास तो एक ही इन्फिनिटी स्टोन था। मानना पड़ेगा थानोस बहुत ज्यादा चालाक निकला, उसने बाकी के इन्फिनिटी स्टोन दूसरी जगह पर रख दिए। कोई बात नहीं, हमारे पास एक तो है, हम इसे लेके यहाँ से निकलते हैं, जब इसके पास दूसरे होंगे तो हम वापस से आ जाएंगे। हाँ वैसे ये बात भी सही है, तो चलो चलते हैं। तो गाइस यार आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना फेसबुक पर, और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो जाओ मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।